ये है एक हॉरर ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है अ फादर्स डे। इसमें ज़ॉम्बी फादर एंड डॉटर के कुछ अलग ही रिलेशन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब एंड काफी यूनिक होता है। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया है और एक टाइम तो आप इसे डेफिनेटली देख ही सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम ग्राउंड लेवल पर किसी एक कदमों को चलते हुए देखते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ज़ॉम्बी हो, देन हमें दिखता है कि ये एक बच्ची ज़ॉम्बी है जो कहीं जा रही है। ये किसी फैक्ट्री जैसी जगह पर जाती है जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज अपनी भूख मिटा रहे थे और किसी को चीर फाड़ कर खा रहे थे। अभी ज़ॉम्बी बच्ची भी उसे खाने के लिए जाती है लेकिन आसपास के ज़ॉम्बीज उसे भगा देते हैं। वो फिर से दोबारा से हिचकिचाकर मांस खाने की कोशिश करती है लेकिन फिर से बगल वाले ज़ॉम्बीज उसे भगा देते हैं। अब देखो यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी बिरादरी में भी भेदभाव एग्जिस्ट करता है और हाई क्लास ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बी बच्चे या फिर लो क्लास ज़ॉम्बीज के साथ नहीं रहना चाहते या फिर नहीं खाना चाहते हैं। खैर अब ज़ॉम्बी बच्ची को भूख लग रही थी लेकिन इस भेदभाव के कारण वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अब ये सब ज़ॉम्बी बच्ची का बाप भी नोटिस कर रहा था जो कि बाकी ज़ॉम्बीज के साथ ही अपनी पेट की भूख मिटा रहा था और मांस को चबा रहा था। ज़ॉम्बी पापा के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो खुश नहीं अपनी बेटी को साइड में खड़ा देखकर। इसका मतलब कि अभी भी उसमें कहीं ना कहीं फीलिंग जिंदा है। तो वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा तोड़कर अपनी बेटी को देने के लिए आगे बढ़ता है। अब ज़ॉम्बी बेटी भी ज़ॉम्बी पापा को आता देख थोड़ा काम हो जाती है और देखती है कि उसके पापा उसे जो बढ़ा रहे हैं वो खाना ठीक है। बस फिर क्या, वो उसे खाने के लिए बैठती है और एक बाइट ले ही रही होती है लेकिन तभी एक मतलबी ज़ॉम्बी वापस से उससे मांस का लोथरा छीन कर झपट लेती है। इसके बाद ज़ॉम्बी पापा इस हरकत से गुस्सा जाता है और जोर की आवाज निकालता है लेकिन वहां लोथरा झपटने वाली मतलबी ज़ॉम्बी भी और भी ज्यादा जोर से आवाज निकालती है और इससे ज़ॉम्बी पापा डर कर साइड हो जाता है। वहीं ज़ॉम्बी बेटी सोचने लगती है ये क्या है, ये ऐसे कैसे चलेगा। खैर अब फैक्ट्री व्यू से सीन बाहर शिफ्ट होता है जहां बाप और बेटी ज़ॉम्बी चल रहे थे और चलते चलते ये एक पार्क में पहुंचते हैं जहां कई सारे झूले होते हैं। अभी ज़ॉम्बी हमारे टेक्निकल ज़ॉम्बी से काफी अलग है तो ये आगे जो करेंगे उसे देखकर तुम्हें भी थोड़ा वियर्ड जरूर लगेगा। तो देखो ज़ॉम्बी पापा को पार्क जाते ही एक कटा हुआ हाथ झूले पर लटका हुआ दिखता है और वो उसे निकालकर अपनी बेटी को देता है और दोनों ही उस हाथ को शेयर करके खाते हैं। इसके बाद सीन फोकस करता है एक ज़ॉम्बी आंटी पर जो वहीं से गुजर रही थी और वो देखती है कि ज़ॉम्बी बाप बेटी लिटरली झूलों पर झूल रहे थे, मतलब कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी शौक में कमी नहीं आई है। और वैसे तो टेक्निकली ज़ॉम्बी में कोई एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए लेकिन इसमें ज़ॉम्बी बेटी झूला झूल कर अच्छा फील कर रही थी। और खैर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि झूला झूलते हुए ज़ॉम्बी बेटी झूले से गिर जाती है और उसका हाथ भी टूट जाता है। उसे पेन भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था और अब दोनों ज़ॉम्बी एक दूसरे को इस मोमेंट पर कंसोल करने की कोशिश करते हैं और सर को सटाकर जुए शेयर करते हैं। अब ज़ॉम्बी बाप बेटी टेडी बियर लेकर आगे बढ़ते दिखते हैं। वो गली से गुजर रहे होते हैं और तभी हमें दिखता है कि उनको शूट करने के लिए एक बंदा रेडी अपना स्नाइपर लेकर के। वो निशाना ज़ॉम्बी डैड को बनाता है और फिर वो निशाना ज़ॉम्बी बेटी को भी बनाता है और देखते ही देखते गोली ज़ॉम्बी डैड के पार हो जाती है। ये देख बिल्कुल इंसानों की तरह ही टेडी ज़ॉम्बी बेटी के हाथ से छूटता है और वो ज़ॉम्बी पापा के पास जाती है। अब शूटर फिर से ज़ॉम्बी डैड को शूट करने ही वाला था लेकिन सामने उसकी बेटी आकर गुस्साने लगती है। बस शूटर ये देखकर अब एक बार फिर ज़ॉम्बी बेटी को शूट करने के लिए गोली चलाने वाला था लेकिन तभी शूटर की बेटी भी आ जाती है जो शूटर डैड का हाथ पकड़ लेती है जिससे वो रुक जाता है। और हम समझ पाते हैं कि इस फिल्म में ज़ॉम्बी में भी ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और फीलिंग्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं जो कि ह्यूमंस की तरह ही है और यूजुअली ज़ॉम्बीज में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लास्ट सीन में शूटर डैड डॉटर एंड ज़ॉम्बी डैड डॉटर दोनों को दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है एक मैसेज के साथ कि भले ही ये ज़ॉम्बी क्यों ना बन गए हो, इनके अंदर की ह्यूमैनिटी और फीलिंग और रिलेशनशिप अभी भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है। खैर ऐसी ही ढेर सारी शॉर्ट फिल्में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है अपने चैनल पर, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।